are inaugurating the Asia's largest solar vehicle championship. Senior Vice Executive Director, this Vice President of Telangana University, and Mr. Gupta, the CEO of ISIE. I, on behalf of Telangana University, welcome you all on this mega event, that's the electric vehicle competition. We know that the conventional energy sources are depleting. And secondly, there is a lot of pollution and damage to the environment. Around the world, this is on, and there is a cutthroat competition to take over this green energy revolution and then dominate the world over this. Of course, this will help controlling the environment. Electric vehicle is one big step towards this because the तो ये proposal मेरे पास आया, मुझे बताया गया, डॉक्टर ब्रह्मेश सिंह ने बताया कि हम ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जो एशिया में बिगेस्ट इवेंट होगा अपनी किस्म का. तो मैंने कहा जी एसोसिएशन किसके साथ कर रहे हो, तो इन्होंने बताया कि ISIE के साथ. मैं तो डर गया, ISIE के साथ मिलकर आप सोलर पावर व्हीकल कॉम्पिटिशन करवा रहे हो. बाद में जब फुल फॉर्म मैंने जब देखा कि इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेशन इंजीनियर, तो फॉर्चुनेटली उसके पीछे ई आ गया. अगर ई नहीं आता तो हमें और भी ज़्यादा डर लगता. तो गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमारे यूथ को आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसपे वो अपना टैलेंट जो है, अपना जो हुनर है, उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इवेंट है, इवेंट में हार जीत, उसके पैरामीटर, ये सब कुछ चलता है, आपको मालूम है. लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि एक आपकी जीत है. आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, पूरा जोर लगाया है. मैं समझता हूँ कि हर एक जनरेशन में आप फ्यूचर हो इंडिया का, आने वाला फ्यूचर आप हो. और हर एक जनरेशन में दो तरह की मैन पावर, अगर हम कह लें लोग होते हैं. एक होते हैं जो लीड करते हैं, जैसे कांग्रेस साहब बैठे हैं, लीडर हैं, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लीडर हैं, कुछ बिजनेस लीडर बनेंगे. दूसरे होते हैं वर्कर, मंत्री जी के वर्कर होंगे बहुत सारे, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे वर्कर होते हैं. लेकिन लीडर कौन बनता है? लीडर वो बनता है जिसका अपना एक विजन होता है, जिसके पास नया आइडिया होता है, जिसके पास कुछ नया सोसाइटी को दिखाने के लिए होता है. और मैं समझता हूँ कि आप सारे टेक्नोलॉजी के फ्यूचर लीडर हो जो आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए. और मैं अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एक अच्छे होस्ट जो है वो बन के दिखाना, और जाते टाइम पर मैं फिर आपसे मिलूँगा और आपका फीडबैक लेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कैंपस में आने का. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. चांसलर सरदार सतनाम सिंह संधु साहब, उन्होंने नाल सरदार रशपाल सिंह धालीवाल साहब, प्रिंसीपल गुप्ता जी, मंच से विराजमान सारे ही, साढ़े रंधावा साहब सामने बैठे, जो वक्त वक्त स्टेटा तो तुसी स्टूडेंट आए हैं. सब तो पहला मैं सारे स्टूडेंट को अपनी दिल दी गहराइया चो बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मैं पहला बोलने से कुछ ये कहना चाहता हूँ, सतनाम सिंह, रशपाल जी और मैं, जैसे आप बैठ रहे हैं, आप किसी रेस की दौड़ में तुसी आप चल रहे हैं, हमें भी इन्हें दोस्त स्टार्टिंग में पॉलिटिकल लाइन में असी रेस नहीं थी, पर आगे जाके
डिफरेंट इन्हों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे सेवा करने का मौका मिला। मैं पोलिटिकल लाइन में आकर पंजाब की सेवा करा। आज तुसी जो जो नवी टेक्नोलॉजी है और बहुत बड़ी बात है, मुझे अमेरिका कनेडा भी जाने का मौका मिला। उत्थे जाके जो आज तुसी सामने आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो तुसी पार्टिसिपेट करने वास्ते आए हैं, और आज महसूस करता हूँ मैं कि तुसी भी अमेरिका कनेडा तो अगे जाके अपना जीवन सफल करोगे। मैं पिछले लंबे समय तो इस यूनिवर्सिटी कैंप चो वेख रहा हूँ, जितनी भी मोस्टली साढ़े स्टूडेंट नू इतों एजुकेशन लेकर गए थे, वो अपने पाँव पर खड़े होके और बहुत बड़ी अपने नौकरी के साथ अपने परिवार के अपने माँ बाप का नाम ये यूनिवर्सिटी से बढ़ाई लेकर उन्होंने उसका नाम ऊंचा किया है। सो आज जो नवी टेक्नोलॉजी है जो तुसी मैं पूछा था भी कितनी स्टेट के स्टूडेंट आए हैं, 25 स्टेट के स्टूडेंट आना, मैं चांसलर साहब को भी राम सिंह संधू साहब को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे ख्याल साढ़ा एशिया का ही सब तो बड़ा है आज का सेमिनार है। मैं कभी भी किसी अखबार में भी ना पढ़ा हो ना देखा, आज इस यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ। इसकी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने जो पिछले समय बड़ी एडवांस वक् वक् डिपार्टमेंटा के बच्चों उपर लेके गए ने, इसी तरह तुसी इस सोलर रिन्यूएबल एनर्जी च भी तुसी जो अज वहीकल्स के रूप के पार्टिसिपेट करने लिए हाजिर हुए हैं, और ये काम भी आपका बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। फ्यूचर है जो आपको पता है, फ्यूचर इसका है, मैन पावर भी कम हो जाएगी, और तुसी जो बहुत लंबे समय का काम है बड़ी जल्दी से ख़त्म करके अपने हरेक काम से सक्सेसफुल होकर अपना जीवन जो है वो सफल बनाएंगे। सो आज जितने भी तुसी स्टेट के स्टूडेंट आए हैं, मैं सबको पंजाब आने से उनको वेलकम कहता हूँ, और मैं डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते आपसे गुजारिश करूँगा जो भी हमारे डिपार्टमेंट को हेल्प चाहिए, संधू साहब को भी बोल के जाता हूँ, असी हमेशा थोड़ी डिपार्टमेंट न्यू एनर्जी साढ़े अफसर साहबान इतने बैठे ने हमेशा थोड़ी इस जो तुसी आज बहुत पहलकदमी कर जा रहे हैं, डिपार्टमेंट आपका आगे होके साथ देगा। तो इतना कहता हूँ, मैं आज फिर एक बार सारी मैनेजमेंट को अचेचे तौर पर साढ़े चांसलर संधू साहब को और सामने बैठे डियर स्टूडेंट को आज दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वेट सर, ओके सामने सर प्लीज, सर सर वन थम्स अप आल्सो, दिस वन गुड, थैंक यू। सोलर व्हीकल कंपटीशन है वो शुरू हुआ, वो आगाज़ हुआ, वो बारे थोड़े दस दो किस तरह रहे। अज मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो अज इस सोलर व्हीकल का शुरुआत हुई है, सब तो पहले मैं यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब संधू साहब को बहुत बहुत बधाई देना, जिन्होंने बहुत वधिया काम अपनी यूनिवर्सिटी के नवी टेक्नोलॉजी का सेमिनार कराया है। बहुत अच्छी गल है, फ्यूचर इसका है,
और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਲਈ। ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕੇ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਨ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਬਰਾਡ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਾਜੂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਡਰੇ ਆਪ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਿਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 13 ਤੋਂ 13 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 13 ਦੇ 13 ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 72,000 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ 1 ਪੈਸਾ ਨਵਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਜੂ ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਕੌੜੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਔਰ ਆਰਐਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
हरेक पोलिटिकल बंदा राइटर है जिथे उन्होंने उन्हों का सिस्टम सही होंगे हरेक बंदा कोई ना कोई अपना अलायंस करके समझौता करके अपनी जित प्राप्त करता है कोई गल नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी, अकाली दल का कहना है कि असी स्टेट को बिजली सरप्लस सूबा छड़ के गए थे, तुसी इंडस्ट्री नूं 5 रुपए यूनिट देने का वादा किया सी पर अज तक पूरा नहीं हुआ। मैं कहना इस किहड़े लीडर ने उन्हें बयान दिता जी? चीमा साहब ने कहा। चीमा साहब तो मेरे ख्याल बेचारे जो बादल साहब कहें उस मुताबिक आपकी टेप बजाई जाती है। अज पंजाब जो इंडस्ट्री ने रिवाइव किया और पिछले लास्ट मंथ साढ़े ना उन्होंने खाना खाधा जो गोबिंदगढ़ खन्ना लुधियाना जो हब से जिते वो इंडस्ट्री के कबूतर बोलते होंगे सी अज उन्होंने इंडस्ट्रिया के रौनक ने और असी 5 रुपये उन्होंने सबसिडी दी जा रही है निर्विघन दी जा रही है। ये मेरे ख्याल चीमा साहब को पता नहीं क्यों उन्होंने तो यह बेचारे सारे बार्डर टपाते इंडस्ट्रियल पता ही नहीं कि स्टेटा चले गए सी। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की चंगी नीति कारण वो इंडस्ट्रियलिस्ट वापस आए ने रिवाइव हुई है और साडा पंजाब और सानू नवे कनैक्शन भी साढ़े को इंडस्ट्री बड़ी मात्रा च इस वे जो ये इंडस्ट्री लिए कनैक्शन बिजली के लैन लगे। टिकटा लोकसभा की कदों ऐलान कर रहे हैं? बस देखो मेरे ख्याल जो मीटिंग है कल के परसों स्क्रीनिंग की जल्दी अनाउंस हो जाएगी। इवेंट जो है यूनिक इवेंट जिन्हें कहे हैं कि फ्यूचर में आगे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अच्छे होते हैं तो ये करवाए जा रहे हैं आपके कहने में? देखो ऐसा है कि विश्व मुकाबलेबाजी का टाइम चल रहा है और इंडिया को उस मुकाबलेबाजी में खड़े होने के लिए इनोवेशंस जरूरी हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो फ्यूचर हैं, पूरी दुनिया में इस पर काम चल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि ISI की सोसाइटी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मिल के ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इस इवेंट में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी प्रॉब्लम जो पहले सॉल्व नहीं हुई थी वो जो नया यूथ है हमारा वो सॉल्व करके ला रहा है और आई एम श्योर कि इंडिया इसमें लीड करेगा।